दोस्तों नमस्कार, ईएनआई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस का प्रोसीजर क्या है, ये सब दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाने के लिए किसी भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यदि फ्रेंड्स आपके पास इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस आसानी से बनवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाने के लिए दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो लिस्ट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो लिस्ट मैं आपको बताऊँगा ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आपको ये डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी लगाने ही होंगे। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं हम ये जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वह ट्रेड सर्टिफिकेट। दोस्तों इसे ट्रेड लाइसेंस या ट्रेड सर्टिफिकेट या फर्म सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनाने के लिए आपको अपनी कंपनी या अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। दोस्तों इस लिस्ट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट है सुपरवाइजर डिक्लेरेशन। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बना रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस और इलेक्ट्रिकल वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास सुपरवाइजर लाइसेंस और वायरमैन लाइसेंस नहीं है तो भी आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर से किसी व्यक्ति को हायर करना होगा जिनके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस हो और इलेक्ट्रिकल वायरमैन लाइसेंस हो। यदि दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस वाले व्यक्ति को हायर करते हैं तो उसके अपॉइंटमेंट की एक कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब फ्रेंड्स चौथा डॉक्यूमेंट और पांचवा डॉक्यूमेंट है मेगर परचेज वाउचर और अर्थ टेस्टर वाउचर। दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बना रहे हैं तो आपके पास अर्थ टेस्टर और मेगर टेस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और अर्थ टेस्टर और मेगा टेस्टर का टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी उसके साथ आपको अटैच करना होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ उनके बिल की कॉपी भी आपको फॉर्म के साथ लगानी होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है वह बैंक सर्टिफिकेट है। दोस्तों बैंक सर्टिफिकेट तभी आपको मिलता है जब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है। यदि आपका दोस्तों क्रेडिट स्कोर ख़राब है तब आपका बैंक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें और ये बैंक सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको बैंक के अंदर जाना होगा और बैंक के मैनेजर से मिलकर वहाँ से आपको बैंक सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड ज़रूरी होता है और पैन कार्ड जो है वह आपका फर्म से भी अटैच होना चाहिए। दोस्तों यहाँ जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वह मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। वह डॉक्यूमेंट दोस्तों आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस डॉक्यूमेंट का पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल ऑफिस या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से जाकर मिलना होगा। अब फ्रेंड्स इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिल करना है यह भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट www.seielngp.com पर जाना होगा। वहाँ पर दोस्तों यह टाइप करने पर आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज के अंदर आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस ऑप्शन में से आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है नवीन विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों इस तरह का एक और पेज ओपन होगा। इस पेज के अंदर दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशंस लिखा है, इस पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारे फॉर्म दिखाई देंगे, जैसा कि आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने वाला फॉर्म, आपको सुपरवाइजर का डिक्लेरेशन वाला फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म फ्रेंड्स आपको यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जिस भी एरिया से रजिस्ट्रेशन कराना है उनके नाम यहां पर दिए हुए हैं। जैसा कि यदि आप नागपुर से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ नागपुर पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इस तरीके से इस पेज के अंदर हमें चार तरह के फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाला जो फॉर्म है वह ठेकेदार से रिलेटेड डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करनी होगी, जैसा कि फर्म का नाम, हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा पैन कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद तो हमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसके अंदर सुपरवाइजर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमें यहाँ पर शो करनी होगी। तीसरे ऑप्शन के अंदर हमें
यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करने होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उन डॉक्यूमेंट को आप पहले फिल कर लीजिए और उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर आप अपलोड करिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फर्म और सबमिट का ऑप्शन आता है, तो यदि आपको फॉर्म सब सही लगते हैं और आप फिल कर लेते हैं और भर लेते हैं इस फॉर्म को, तो आप यहाँ कन्फर्म कर सकते हैं और कन्फर्म करने के बाद आप इन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसके अंदर कोई भी चेंजेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इससे पहले आप अपने फॉर्म की पूरी तरीके से जांच परख कर लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप जाकर उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर जाकर आप लिंक को कॉपी करके गूगल में पेस्ट करेंगे तो आप सीधे वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।